हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था कि अगर लॉगरिथम हम किसी फंक्शन में लेते हैं तो उसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। उसके एक दो क्वेश्चन हम और लगवाते हैं, फिर आपका हम शुरू करेंगे इनफिनाइट सीरीज़ के लिए डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम लॉगरिथम पे डिपेंड एक दो क्वेश्चन और भी देखते हैं, फिर हम उस पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, इफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ई की पावर एक्स माइनस वाई, then prove that, then prove that dy by dx is equal to dy by dx is equal to log x अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल ऑफिस। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही प्रोसेस है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका दोनों तरीके से हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल से भी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वोशेंट रूल पे डिपेंड होंगे, वो भी हो जाएंगे। तो वो दो मेथड से होंगे। अगर प्रोडक्ट मेथड है, हो सकता है उसमें लॉग का भी मेथड लग जाए। क्वोशेंट मेथड है, हो सकता है उसमें भी लॉग का मेथड लग जाए। तो आप उसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको ये नहीं कहेगा कि आपको किस मेथड से करना है। क्वेश्चन केवल यही दिया देगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें लिखा होगा डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप उसको चाहे जिस मेथड से करें, चाहे जिस तरीके से, जैसे आपको इजी लगता है, वैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें हमको एक पर्टिकुलर लॉग लेना ही होगा, बिना लॉग के वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। जैसे ये क्वेश्चन में हम लॉग लेके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस वाई। तो ये आ जाएगा y लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग e। ठीक, और लॉग ई की वैल्यू क्या होगी, लॉग ई की वैल्यू वन हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो ये पहले तो लिखते थे वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई खाली बचेगा। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या, वाई डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स और लॉग एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी, इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा इस वाले। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ प्लस लॉग एक्स और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक, ये आए, इसको और सॉल्व करेंगे तो y इंटू ये आ जाएगा वन बाई एक्स प्लस लॉग x और dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू वन माइनस dy वाई बाई डी एक्स। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा वाई बाई एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इधर ले आएंगे तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा। हमको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है,
तो डी वाई बाई डी एक्स ही प्रूफ करना है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म हैं वो एक साथ ले आएंगे। तो ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू या फिर 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक, अब एक चीज़ और भी देखेंगे, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन आंसर जो प्रूफ हमको करना है ये एक्स के फॉर्म में ही कंप्लीट दिया है, एक्स के फॉर्म में ही प्रूफ करना है, बट हमारा वाई भी वहाँ से आ रहा है, तो हम यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के उसमें पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से वाई की वैल्यू हम निकालते हैं, इस वाई को इधर लाएंगे तो वाई कॉमन आ गया, बचेगा क्या, वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x अपॉन वन प्लस log x, ये हमारी y की वैल्यू, ये वैल्यू उठा के हम y की जगह पुटअप कर दें, तो dy वाई बाई डी एक्स वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई की वैल्यू x अपॉन वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस लॉग एक्स, और इसमें इसमें एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस लॉग एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, तो वन और वन कैंसिल हो गया। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वन प्लस लॉग एक्स का होल ऑफिस, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे प्रूविंग के पूछे जाते हैं, प्रूफ करने के भी क्वेश्चन आपके आते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई की, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, देन प्रूफ दैट, देन प्रूफ क्या प्रूफ करना है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस y log x। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अब यहाँ पे देखें तो हमको आंसर जो लाना है वो y के फॉर्म में भी x के फॉर्म में भी गिवन है। कहने का मतलब ये है कि y के फॉर्म में अगर आ रहा है तो हम उसमें x की वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे, y की वैल्यू नहीं पुटअप करेंगे, है ना। अगर y के फॉर्म में ही आ रहा है तो उसको वैसे ही रखेंगे, और कहने को अगर कुछ और भी देता है जैसे यहाँ y की जगह हम क्या x की पावर y भी लिख सकते थे, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। y इज इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर y। अब इसमें दोनों तरफ log ले लेंगे तो log y इज इक्वल टू y log x आ जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, वाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो वाई का इसका हो जाएगा एक्स प्लस log x और dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक पास ले आओ, कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स इसमें आ जाएगा 1 अपॉन वाई, ये था, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का log x, ठीक है, इज इक्वल टू
वाई बाई एक्स, हमको प्रूफ क्या करना है। अच्छा ठीक, तो इसमें एलसीएम और ले लूँ तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या आ जाएगा, वन माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है इतना आएगा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की y से मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगा, और y log x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं log y, तो यहाँ आ जाएगा log y, ठीक है। 1 माइनस y log x तो आ ही रहा है आपका, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स और इंटू एक्स भी है, तो ये एक्स इससे इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई इधर चला जाएगा तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा अपॉन वन माइनस वाई लॉग एक्स, यही हमको प्रूफ करना है। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए इसी का दे रहे हैं, होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a की पावर एक्स वाई, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग ए अपॉन वन माइनस लॉग वाई, ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यू टॉपिक पे आते हैं। क्या न्यू टॉपिक है आपका, टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फंक्शन, ठीक, इनफाइनाइट सीरीज फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, हम उस पर आते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन इसका, जैसे आपको दिया क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस, इसी अंडर रूट में फिर से अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो अगर देखें तो अगर हम इतने को छुपा लें, देखो यहाँ जो लिखा है अंडर रूट साइन एक्स, वही आगे लिखा है अंडर रूट साइन एक्स, इसके आगे वाला भी वही साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स देखें तो हमारा क्या, वो बार बार रिपीट हो रहा है, अंडर रूट साइन एक्स हमारा क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर इतने को भूल जाओ, ये पार्ट हम हटा दें, जैसे ये पार्ट हमने दोनों हटा दिए, तो हमारा बचा क्या, y ही तो बचा, y हमारा क्या है अंडर रूट साइन एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, y की अंडर रूट साइन एक्स की जगह y हम लिख सकते हैं, तो हम इसको अगर लिखेंगे ठीक, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स
और फिर ये रिपीट हो रहा है तो प्लस वाई, अगेन ये रिपीट हो रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम वाई मान लेंगे। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ प्लस का डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स वाले एक पास ले आओ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या एक पास लेके आएंगे तो बचेगा टू वाई और ये इधर आएगा तो माइनस का वन इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, ये आपका आंसर। ठीक, इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आपको मेनली इसमें क्या देखना है, आपको सीरीज़ को ही पहचानना है कि हम किसको वाई लिख सकते हैं। अगर उतना आपने कर लिया तो समझिए ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको दे रहा है y इज इक्वल टू a की पावर x, y इज इक्वल टू a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये पावर बढ़ती जा रही है। अब देखिए ऊपर वाले a की पावर x यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब a की पावर x को ही हम क्या लिख सकते हैं y। मान लो इतना नहीं है ऊपर वाला, अगर ये हम छुपा लेते हैं तो y हमारा क्या आ रहा है, a की पावर x, मतलब ऊपर वाला भी y हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू a की पावर x की पावर y, a की पावर x की पावर y ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें क्या ले लेंगे, log। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम और सही लिखें तो y इज इक्वल टू a की पावर x की पावर y। ठीक, ये लिख सकते हैं, तो log ले लीजिए तो log y इज इक्वल टू x की पावर y log है। ठीक है, ये आ जाएगा x की पावर y log a। ये आया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ये दोनों इनटू में है, अभी भी इसकी पावर में y भी है, तो अगेन इस y को इधर लाना है तो हमको फिर से log लेना पड़ेगा। तो हम दोबारा इसमें log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log log y इज इक्वल टू इसमें लेंगे तो आएगा log x की पावर y प्लस log log a। ठीक, log log a ये आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log log y और ये क्या हो जाएगा, y log x प्लस log log a। log log a तो आपका कांस्टेंट है, log log a आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक,
इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स सॉरी वाई ये आएगा इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा लॉग लॉग एक्स लॉग ए। ठीक ये आएगा आपका अगेन अगेन। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा वन अपॉन लॉग वाई। ठीक इसका क्या आएगा लॉग का लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स और एक्स की जगह क्या है लॉग वाई तो आ जाएगा लॉग वाई। अगेन हम लॉग वाई का करेंगे तो वन अपॉन वाई और फिर से हम y का करेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो y dy वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इसका तो आपका जीरो हो जाएगा। इसका जीरो हो जाएगा इससे आपको कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया लॉग। ठीक तो उसको वहीं छोड़ देंगे उसका काम खत्म। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा वन अपॉन वाई लॉग वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाले कॉमन ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो आएगा वन अपॉन वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। ठीक ये आपका आएगा। अब इन दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेते हैं देखते हैं क्या आएगा। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स वन माइनस y log x इंटू log y अपॉन log y इंटू y इज इक्वल टू y बाई एक्स तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो y स्क्वायर log y अपॉन x वन माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई ये आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर है इसकी वैल्यू आपकी ये हो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको मेनली सीरीज पहचाननी है। सीरीज अगर आप पहचान लेंगे तो आपके क्वेश्चन ईजली हो जाएंगे। ठीक है तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके बाद देखिए इतना तो इसमें कॉमन है, ये इतना आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इतना टर्म सभी स्टेप में आपको दिख रहे हैं, है ना। तो मतलब इतना छोड़ के नीचे जो बन रहा है ये आपका y हो जाए। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये y के बराबर है, तो ये पार्ट भी आपका y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, यहाँ से फिर स्टेप चेंज हो रहा है तो y, ठीक, वही स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है तो ये y हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट, अब सीधे सीधे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर माइनस वन को डिफ्रेंशिएट, तो y माइनस वन वन अपॉन वाई स्क्वायर और dy वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा। ठीक, क्लियर। ये कैसे आया, तो वन अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब वाई की पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन, और वाई की पावर माइनस वन माइनस वन माइनस टू, ठीक, तो अपॉन में आएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप इसका ये, ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस सॉरी माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन ले लो तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स। इसको और सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई, ये इसका सलूशन। ठीक, अब इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन हम घर से दे रहे हैं, ठीक है, ये आप ट्राई करिएगा, जिसका नहीं लगेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो कल मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूँ। देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डॉट डॉट डॉट। ये आपको क्वेश्चन दिया, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है और फिर प्रूफ करना है। ये दिया है y की वैल्यू, इफ y इज इक्वल तो देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस टू वाई प्लस कॉस एक्स वन प्लस टू वाई प्लस कॉस एक्स प्लस सॉरी माइनस
साइन एक्स, ये आपको प्रूफ है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लगाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है y इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर x डॉट डॉट। ये आपको क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर वाला भूल जाइए, y किसके इक्वल है, e की पावर x की, मतलब बार बार ये प्लस e की पावर x इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, y, ठीक है, ये टर्म आपका y, तो इसको लिखेंगे y e की पावर x प्लस y। अब दोनों तरफ हम क्या लॉग ले लेते हैं, तो लॉग y, या लॉग ना भी ले तो इसको डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। अगर लॉग ले रहे हैं तो लॉग ले सकते हैं, लॉग इज इक्वल टू ये क्या जाएगा, x प्लस वाई लॉग e, और लॉग e की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। एलसीएम ले लेंगे, इधर लेके आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो यह आ जाएगा 1 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। तो नीचे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये आपका आंसर है, ठीक। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करिएगा और अपनी बुक के इसके क्वेश्चन लगाइएगा। आज के लिए इतना ही, क्लास